नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडिटर गुरु जी में। देखिए दोस्तों, मैं पहले एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो लिस्ट मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये 2016 में जो यूपी पुलिस की एग्ज़ाम हुई थी कांस्टेबल की, ठीक है, तो उनमें कुछ अभ्यर्थियों का मतलब रिजल्ट रुक गया था किसी कारण से, तो अब जाके उन लोगों का रिजल्ट आया है, तो फिजिकल के लिए आया हुआ है, ठीक है। तो ये 2016 बैच के बच्चों का है, ठीक है, और उनमें से कुछ लोगों का ज्वाइनिंग हो चुकी है, मतलब कुछ लोग का चल रहा है, बाकी कुछ लोगों का जो उनका पेंडिंग में था, कुछ कोर्ट चल रहा था मैटर, तो अब जाके सॉल्व हुआ है, तो उनका रिजल्ट दे दिया गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ज़्यादा लोग का नहीं है, बहुत कम लोग का है, ये देख इसमें दिया हुआ लिस्ट में टोटल ये आपका 40 38 है, ठीक है, 38 और एक लोग का और है 39 के आसपास, तो 38 39 के आसपास इतना रिजल्ट आउट हुआ है। बाकी इधर ये देखिए, कुछ लोग का और भी आउट हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से देखिए दे रखा है, ठीक है, जो भी है आप लोग देख लेना एक बार, जो लोग 2016 में एग्ज़ाम दिए थे आप लोग अपना अपना रिजल्ट एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और देखिए जो रिजल्ट हुआ तो आज ही आया है, और आपका जो फिजिकल है दोस्तों, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार फिजिकल, देखिए देखिए मैं दिया हुआ शारीरिक दक्षता था, ठीक है, तो शारीरिक दक्षता जो आपका ये है, आपका 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है, ठीक है, देखिए 4 दिसंबर को एग्ज़ाम है आपका, कहाँ पे, ये PSC लखनऊ में, सुबह देखिए सुबह में दिया हुआ है 5:30 बजे, तो आप लोग अपना टाइम के हिसाब से पहुँच जाइएगा। और देखिए इसमें जो एडमिट कार्ड है वो आपका 29 तारीख, ठीक है, 29 तारीख, ठीक है, यानी कि 29 तारीख शाम को 8 बजे मिलेगा आपको, ठीक है, ये देखिए 8 बजे सिया हुआ शाम को, तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद अपना रेडी वगैरह हो जाइएगा, कैसे जाना है कैसे नहीं जाना है, ठीक है, टाइम बचा नहीं है बिल्कुल, आप लोग अपना जो भी अब इसमें भी जो भी सूचना है देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप लोग के पास और भी कुछ नोटिफिकेशन आएगा तो देख लेना एक बार, क्या क्या ले जाना है क्या नहीं जाना है, अपना अच्छे से अपना तैयारी कर लेना अच्छे से, ठीक है। और ये देखिए इतनी लिस्ट है, तो कोई नहीं दोस्तों, मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूट्यूबर हमारे यूट्यूब भाई हैं यार, प्लीज़ आप लोग वीडियो जब भी बनाया करो तो उसमें कुछ मतलब बिल्कुल सही चीज़ मेंशन किया करो, ताकि किसी अभ्यर्थी को कन्फ्यूजन ना हो। आप लोग क्या करते हैं कि मतलब जैसे भी ये वीडियो बन रहा है, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि UPP रिजल्ट तो ज़रूर है ये, लेकिन 2016 का है या 2018 का है, तो आप लोग अगर ये मेंशन नहीं करेंगे सही से, आप लोग 2018 लिख देते हो, तो क्या होगा इससे कि जो अभी अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं बहुत बेसब्री से अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, वो इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ यार आप लोग ऐसा बिल्कुल ही ना करें, अपनी UPP उड़ाने के लिए ऐसा तो बिल्कुल ही ना करें, आप लोग जो भी वीडियो बनाया ऑनेस्टली बनाया करो प्लीज़, ठीक है, ताकि इनको कोई दिक्कत ना हो। मैं देख रहा हूँ यार सोशल मीडिया पर बहुत लड़के मतलब ये जो आप लोग डालते रहते हैं कि अपडेट लेटेस्ट अपडेट UPI रिजल्ट ये सब क्या है, ये सब फालतू आप लोग डालते रहते हैं यार, ठीक है, आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, मतलब जो है हकीकत में वो डाला करो, UPI रिजल्ट क्या है, UPI रिजल्ट अपडेट ऐसा कुछ है तो मतलब डालो सही से, आप लोग इतना ज़्यादा मतलब फालतू चीज़ डालने लगे हो ना, लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। चलिए तो ठीक है, बस यही बताना चाह रहा था, और दोस्तों ठीक है समझ में आ गया होगा, तो आप लोग करना क्या है कि अभी देखिए जो मैं 2018 जो नए जो भी एग्जाम हुआ था उनके लिए मैं बताते रह जाता हूँ, आप लोग यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि देखो कुछ प्रॉब्लम तो चल रही है शायद, अभी देखिए इन लोगों का रिजल्ट आउट हुआ जैसे 2016 बैच का, तो अभी इनका एक तरह से क्लियर कर दिया जाएगा, उसके बाद ही कुछ हम लोग का भी हो सकता है, ठीक है, जो जो 2018 एग्जाम दिए हैं, ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग आराम से रहिए, पढ़ाई जो कर रहे हैं करिए, अभी एग्जाम बहुत सारा आप लोग का RP वगैरह का भी एग्जाम होगा, तो आप लोग उसका तैयारी करिए, इसका रिजल्ट तो होना ही है, आप लोग अगर रनिंग नहीं कर रहे तो रनिंग करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, रिजल्ट का वेट मत करिए, आप लोग अपना जो काम कर रहे हैं करते रहिए, और ज़्यादा ये सोशल मीडिया ये सब के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है, आप लोग अपना जो भी काम कर रहे हैं करिए, आराम से रहिए, रिजल्ट आ जाएगा, आप सबको पता चल जाएगा, ठीक है, 1 घंटे में आधे घंटे में रिजल्ट आने के बाद मैक्सिमम इतना टाइम आपको पता चल ही जाएगा, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अब ये क्या किया जाए, बहुत सारे यूट्यूब वाले तो डाल ही रहे हैं नमन, लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, प्लीज़ यार आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, अगर कोई आप लोग को प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, मैं उसका सोल्यूशन दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट।